हेलो एवरीवन आई एम योर एजुकेटर इरशाद अली एंड स्वागत करता हूँ आपका मोटिवेशन एंड एजुकेशन चैनल के ऊपर आज की स्टोड में हम बात करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में राइट ऑस्मो रेगुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और किस में पाया जाता है बैक्टीरिया में कैसे होगा फिशेस में कैसे होगा एंड ह्यूमंस में कैसे होगा ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं नोट्स के फॉर्म में राइट तो so, आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है एंड आपको नोट्स भी बना लेने हैं राइट right? और जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछना है राइट right? तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस दैट रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्रूट्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्लूड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है राइट right。एंड साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बना के रखता है राइट क्या समझ में आया ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्लूड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट रखता है रेगुलेट करता है साथ ही साथ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बना के रखता है राइट इन एनिमल्स दिस प्रोसेस इज अ ब्राउट अबाउट बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स विच कैन डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर राइट ह्यूम्स एंड मोस्ट अदर वॉर्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैव ऑस्मो रिसेप्टस इन द हाइफोटैलमस बीसाइड द ब्रेन ओसमो रेगुलेटर्स आर आल्सो फाउंड इन द किडनीस राइट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो मैंने चीज़ें यहाँ पर पढ़ के बताई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इसमें लिखा गया है राइट right? आगे चले ठीक है आगे चलते हैं अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑसमो रेगुलेशन राइट right? तो ऑसमो रेगुलेशन के जो टाइप्स हैं वो मेजरली टू टाइप्स के होते हैं राइट तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो टू टाइप्स का होता है राइट पहला टाइप क्या है ऑस्मो कॉनफॉर्मर, राइट पहला जो टाइप है ऑस्मो कॉनफॉर्मर है एंड दूसरा जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं पहला टाइप जिसका नाम है ऑस्मो कॉनफॉर्मर्स क्या होता है ऑस्मो कॉनफॉर्मर्स आर ऑर्गेनिजम्स ये ऑर्गेनिजम्स हैं दैट ट्राई टू मैच द ऑसमोलेरिटी ऑफ देयर बॉडी विद देअर सराउंडिंग्स राइट तो ओस्मोकॉन्फोर्मस ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कोशिश करते हैं जो ऑसमोलेरिटी प्रोसेस है वो उनकी बॉडी में उनकी सराउंडिंग के साथ मैच करें राइट इन अदरवर्ड्स दीज ऑर्गेनिजम्स मेनटेन द सेम ऑसमोटिक प्रेसर इनसाइड द बॉडी एज आउटसाइड वाटर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इसके तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है मोस्ट मरीन इन्वर्टिड्स राइट जो इन्वर्टिड्स हैं जो कि मरीन हैं ज़्यादातर वो हो गए जैसे कि स्टार फिश हो गया हमारा जेली फिश हो गए एंड लॉबस्टर्स हो गए एंड साथ ही साथ ये सारी चीज़ें क्या हैं ऑस्मोकॉनफॉर्मर्स हैं तो जेली फिश हो गया स्टार फिश हो गया लॉबस्टर्स हो गए ये सारी की सारी क्या हैं कॉनफार्मर्स हैं इसका जो सेकेंड टाइप है इसका नाम है ऑस्मो रेगुलेटर राइट तो ऑस्मो रेगुलेटर क्या होता है ऑस्मो रेगुलेटर आर ऑर्गेनिजम्स दैट एक्टिवली रेगुलेट देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, राइट तो ऑस्मो रेगुलेटर एक ये भी ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि प्रेशर को खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से बॉडी में एक्टिवली रेगुलेट करते हैं राइट right. अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग राइट एग्जांपल क्या है इसका मैनी वर्टिब्रेड्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमन मॉस फ्रेश वाटर फिशेस एंड कंसर्डेड टू बी ऑस्मो रेगुलेटरी इनको माना जाता है कि ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं अभी हम देखने वाले हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है सो फॉलोइंग आर सम ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिजम सो यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास एनिमल्स हैं जिनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन पाया जाता है तो चलिए उन्हें देख लेते हैं सबसे पहला हमारा आता है राइट ऑस्मो रेगुलेशन इन फिश फिश के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है राइट right. फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर फिशेज़ ऑसमो रेगुलेट इन डिफरेंट वेज जो फ्रेश वाटर फिश हैं जैसे कि पॉइंट्स में जो पाए जाती हैं एंड जो मरीन वाटर फिशेज़ हैं जो कि समुद्र में पाई जाती हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेट जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है जैसे कि हमारा ए नंबर हमने आपको बताया है वो है ऑसमो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश फ्रेश वाटर फिशेस है उनके अंदर कैसे होगा तो उनके अंदर दरअसल इस तरीके से होता है फ्रेश वाटर फिशेस आर हाइपरटोनिक टू देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट राइट देन विच मीन्स दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज हायर इन देयर ब्लड देन देयर सराउंडिंग वाटर, राइट दे एब्जॉर्ब कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द माउथ एंड द गिल मेमब्रेंस राइट क्या समझ में आ रहा है इसका मतलब द एब्ज़ॉर्ब आ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर एक अमाउंट में वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं राइट right? एब्जॉर्ब कर सकते हैं द सल्ट इज रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया रीच सेल्स इन द गिल्स राइट ये जो सॉल्स ये जो सॉल्ट है ये रिप्लेस हो जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के सेल्स के द्वारा गिल्स में राइट दिस सेल्स एब्जॉर्ब सॉल्ट इनटू द ब्लड फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर राइट ये जो सेल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं राइट right? सराउंडिंग के सराउंडिंग से बाय द ब्लड राइट सो यहाँ पे डायग्राम नजर आएगा आपको ये हो कैसे रहा है राइट right? यहाँ पे हमने ली है आ, एक फिश को लिया गया है राइट right? फिश है ये कैसी है फ्रेश वाटर फिश है एंड इसका नाम ये टेलियोस्ट है राइट right? टेलियोस्ट फिशर्स है यहाँ पे आपको नजर आएगा ऑस्मोरेगुलेटिक गेन गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसके पास ये वाला एरिया में राइट right? ये वाटर लेवल यहाँ पे आपको नज़र आएगा राइट right? जिसे हम अगर यहाँ पे ब्लू कर दिया जाए वाटर यहाँ पे राइट right? और यहाँ पे ये इनका यूरिन आउट होगा बॉडी से राइट right. अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ये फूड इनटेक करेंगे राइट right. यहाँ पे गिल्स जो हैं यहाँ के गिल्स जो एक्टिव अपटेक गिल्स हैं राइट right. अब यहाँ पे देखिए डिफ्यूज़न क्या हो रहा है लॉस हो रहा है बाई द गिल्स राइट right. यहाँ पे ऑस्मोटिक गेन हो रहा था बाई द गिल्स यहाँ पे क्या हो रहा है ये लॉस हो रहा है राइट right. डिफ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे और यहाँ से क्या होगा सॉल्यूट्स इन यूरिन बाहर निकल करके सोल्यूट एन यूरिन में मिल जाएंगे राइट right? ये जो है फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर पाया जाता है इस प्रकार का राइट right? सो so, ये जो हो गया हमारा हमने बात कर ली कि ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर फिश के अंदर कैसे होता है राइट right? सेकेंड हम चलते हैं इसका जो पार्ट हमारा बी है जो रहा ये राइट right? सेकेंड है ऑसमो रेगुलेशन इन मरीन फिश मरीन फिश के अंदर कैसे होता है राइट सो कम्पेयर टू फ्रेश वाटर फिश मरीन फिश फेस द अपोजिट प्रॉब्लम राइट दे हैव अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन देअर ब्लड देन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट नो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है राइट कॉन्सिक्वेंसली इट रिजल्ट इन द टेंडेंसी टू लॉस वॉटर एंड एब्जॉर्ब द सॉल्ट राइट right. इसका नतीजा यह निकला नेक्स्ट टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम मरीन फिश ड्रिंक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड रेस्ट्रिक्ट यूरिनेशन बहुत अधिक मात्रा में वाटर को ड्रिंक कर लेना है उसके बाद यूरिनेशन की प्रोसेस को रोक देना है राइट right? डायग्राम में आपको नजर आएगा यहाँ पे डायग्राम का पहले नाम देखिए अमरीन टेलियोस्ट टिकली मोर डायल्यूट दैन द वाटर इन विच इट लिप्स डाइग्राम में आपको नज़र आएगा ये वाटर है राइट ये फिश ने ड्रिंक किया ये पूरा आपको एरिया वाटर का नज़र आ रहा है मरीन के अंदर है ये फिशज हैं राइट तो वाटर को यहाँ से इन्होंने क्या किया ड्रिंक किया राइट ऑस्मोटिक लॉस हो रहे हैं गिल्स के वायदा गिल्स बोल सकते हैं यहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा राइट अब यहाँ पर देखिए ये तो वाटर की कंडीशन में था अब यहाँ पर क्या है देखिए सी वाटर में नॉर्मली क्या होगा सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर सॉल्ट प्रेजेंट है सी वाटर में ये हमारे सॉल्यूट्स हो गए बाहर इसके राइट right? सॉल्यूट किस फॉर्म में है एन ए सी के फॉर्म में है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के फॉर्म में है सो so, हम ये कह सकते हैं इट इज़ मोर डायलूट राइट इस डायग्राम के बस हम ये कह सकते हैं ना कि मरीन फिश जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा डायलूट होती हैं जिस वाटर में वो रहती है उस वाटर में राइट तो ये हमने बात कर ली है दो टाइप्स फ्रेश वाटर फिशेस में और मरीन वाटर फिशेस में ऑसमो रेगुलेशन कैसे होता है सेकेंड हमारा टाइप आता है ऑसमो रेगुलेशन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया में भी तो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी पाया जाता है तो उनमें कैसे होता है राइट तो दरअसल उनमें उनमेंटीरिया जूझा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट्स when osmolarity when osmolarity around it increases जब बढ़ जाएगा तब करेगा the osmotic stress activates certain genes in bacteria that synthesize osmo protectants so bacteria में ये जो process है कुछ इस तरीके से होता है right next देखते हैं जो कि हमारा third types है जो कि humans की body में कैसे होता है और ये आ गया है हमारी बॉडी के अंदर का तो आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और जब आपने अपनी बॉडी से अच्छे से रिलेट कर लिया तो आप अदर ऑर्गेनिजम्स में अच्छे से बता सकते हैं राइट तो ह्यूमन्स में क्या होता है द किडनी इज द किडनी इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन्स राइट वाटर अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज आर रीएब्जॉर्ब बाय द किडनीज तो हमारे किडनी में क्या होता है किडनी के जरिए ही तो रीअब्जॉर्ब होते हैं ना सारी चीज़ें वाटर माइनो एसिड ग्लूकोज राइट वेन द वाटर लेवल इन द बॉडी इज हाई जब बॉडी में वाटर लेवल हाई होगा इट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन राइट लार्ज अमाउंट में रिलीज करेगा वेन द वाटर लेवल इज लो इट रिटेन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लो अमाउंट ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन राइट right. सो so, यहाँ पे दो चीजें लिखी गई हैं पहला है व्हेन द वाटर लेवल इन इन द बॉडी इज हाई जब बॉडी में हाई होगा इट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक है राइट right? बट जब लो हो जाएगा तब यहाँ पे हाइपर टोनिक हो जाएगा राइट right? सो so, इसी आधार पे यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं हमारा राइट right? ये हमारे पास वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड नॉर्मल राइट right? अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें अगर टू मच वाटर ड्रंक किया किसी ने राइट right? फिर क्या होगा वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज हाई हाई है ब्रेन प्रोड्यूस लेस एडीएच, राइट देन लो वॉल्यूम ऑफ वाटर रीअबॉर्ब बाई किडनी राइट नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा यूरिन आउटपुट इज हाई तो ज़्यादा पानी पीने पे ज़्यादा यूरिन आएगा यही प्रोसेस के जरिए होगा राइट नेक्स्ट देखिए द वाटर कंटेंट या हम ये कह सकते हैं टू मच सॉल्ट होगा कैसे होगा वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज़ लो जब वाटर कंटेंट लो है बॉडी में तब क्या होगा ब्रेन प्रोड्यूस मोर ए डी एच यहाँ पर लेस था राइट right? यहाँ पे मोर है जब ज़्यादा पानी आपने लिया तो लेस था ए डी एच जब कम पानी लिया तो यहाँ पे क्या है हाई है क्या ए डी एच हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इस रीअबजॉर्ब बाई किडनीज तब ज़्यादा मात्रा में किडनी के जरिए वाटर क्या होगा री ऐब्जॉर्ब होगा एंड यूरिन का आउटपुट क्या होगा लो होगा राइट सो दिस इज दियू कैसे होता है प्रोसेस राइट देन नेक्स्ट चलते हैं सो द किडनी इज मटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस द बॉडी तो इस प्रकार से जो किडनी होती है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट uh, को बैलेंस करके रखती है सो so, यहाँ पे हमने देख लिया ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है तो ये सारा चीज़ हमने देख लिया है अगर वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा एक बार समझ में ना आए दो बार देखिए तीन बार देखिए और खुद से पढ़ के देखिए क्योंकि ये ऐसे नोट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं अगर आप सीरियस होकर पढ़ें खुद से रीड करें और आप इसे बिल्कुल एजर्टिस लिख भी है सकते हैं एग्ज़ाम में राइट सो अगर ना समझ में आए तो बार बार देखिए समझ में बिल्कुल आ जाएगा इसके अलावा कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड uh, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा राइट right? और आपको चैनल के पास आपका एक ज्वाइन बटन दिखाई देगा अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिसके ज़रिए आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं राइट सो so, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक्स फॉर वॉचिंग